हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और श्वेता दीदी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। गर्मियां शुरू हो गई हैं और कुछ ही दिनों में सब्जियों के रेट आसमान छूने लग जाएंगे, तो चलिए एक नई सब्जी बनाते हैं, पापड़ की सब्जी। ये सब्जी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जियों में आती है क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिएंगे 2 पापड़, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज। सूखे मसालों में हमें चाहिएगा जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पापड़ों को रोस्ट कर लेते हैं, तो इनको माइक्रोवेव में रख देते हैं और 1 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव कर लेते हैं। लीजिए, हमारे पापड़ रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे पापड़ सिके हैं। अब इन पापड़ों के पीसेस कर लेते हैं, तो बहुत छोटे पीसेस नहीं बनाने हैं, 1 पापड़ के मैक्सिमम 8 पीस बनाने हैं। मैंने इन पापड़ों को रोस्ट करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो गैस स्टोव पे भी रोस्ट कर सकती हैं। लीजिए, पापड़ के पीसेस तैयार हैं, तो चलिए करी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में तेल लीजिए और उसमें जीरा, हींग और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल दीजिए और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लीजिए। प्याज फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें सूखे मसाले भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इन सूखे मसालों को 30 सेकंड के लिए इस तरीके से फ्राई करेंगे। 30 सेकंड बाद इसमें पानी डाल दीजिए। अब हम इस करी को हाई फ्लेम पे एक बार उबाल लेंगे। उबाल आने के बाद हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और पापड़ के पीसेस डाल देंगे। अब इन पापड़ों को करी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर गैस स्टोव बंद कर देंगे। पापड़ डालने के बाद फ्लेम को ज्यादा देर ऑन नहीं रखना है, वरना हमारे पापड़ गल सकते हैं। सुपर टेस्टी पापड़ की सब्जी बनके तैयार है। इसको धनिया पत्ता से गार्निश करिए और गर्मा गर्म परोसिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट साइड पे बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंजॉय।